साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों के पास नीचे से ऊपर तक सिर्फ वंशवाद है, वंशवाद। और यहां तो खुल करके हैं, और इसलिए राष्ट्रवाद पर बात करने से इनको डर लगता है। और यहां के मुख्यमंत्री ने तो बाकी सीटें तो गई मान लिया है, अब इज्जत बचाने के लिए जोधपुर में गली गली में घूम रहे हैं, कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, बेटे को बचाने के लिए। उनके लिए कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा बेटे का महत्व है, बाकी कांग्रेस का जो होगा तो होगा। यही कारण है कि पूरी बेशर्मी के साथ भारत के शौर्य के बजाय पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर विश्वास करते हैं। सपूतों की सराहना के बजाय पाकिस्तान के सबूतों की बात को लेके देश में भ्रम फैलाते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का ढकोसला पत्र एक प्रकार से पाकिस्तान का भोंपू ज्यादा लगता है। साथियों, ये कश्मीर से सेना हटाना चाहते हैं, जवानों के विशेष अधिकार को हटाना चाहते हैं। मेरे जोधपुर की वीर जनता, मेरे जोधपुर के वीर नौजवान, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस का ढकोसला पत्र जो कश्मीर से सेना हटाने की बात करती हो, सेना के अधिकार हटाने की बात कर रही हो, क्या ये मेजर शैतान सिंह का अपमान है कि नहीं है? ये मेजर शैतान सिंह जैसे शहीदों का अपमान है कि नहीं है? शहीदों का अपमान करने वालों को हम सह सकते हैं? कितना ही बड़े बाप का बेटा होगा, शहीदों का अपमान करने वाला इस मिट्टी पे नहीं चल सकता है। मैं आपको इनके एक साथी कांग्रेस ने जिन्हें, और ये बड़े पार्टी के बड़े कर्ता धर्ता हैं यहां के मुख्यमंत्री, और खासम खास है परिवार के, वो जयपुर से ज्यादा दिल्ली के चक्कर काटते हैं। और जब कर्नाटका में सरकार बनी तो ये हाथ ऊंचे कर कर करके मौज कर रहे थे। ये कर्नाटक के सीएम ने क्या कहा है मालूम है? ये कांग्रेस पार्टी ने इस बात को खारिज नहीं किया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने जो गंभीर बात कही है, आपको मतदान के दिन वोट कर करके उनको सजा करनी है। सजा करोगे? उन्होंने क्या कहा है मैं कहूं आपको? ऐसी बातें अखबार में जरा कम आती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो गरीब है, जिनको
भूखे मरना पड़ता है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये गरीबी के मारे सेना में जाते हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान है, क्या ये बात आपको मंजूर है? क्या लोग दो रोटी के लिए देश के लिए गोलियां खाने जाते हैं क्या? अरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, ये कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं है कि वो दो रोटी खाने के लिए नहीं जाता है, वो सीने पर गोलियां खाने के लिए जाता है। बेशरम लोग है ये। क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? ये वीरों की धरती, ये जवानों की धरती, शहीदों की परंपरा वाली धरती, क्या ऐसी पार्टी को एक पल भर के लिए राजस्थान में टिकने देगी क्या? भाइयों बहनों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये सोच खतरनाक है।